इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फ्लिपकार्ट के अंदर इस तरीके से दिखाता है, अगर ऑर्डर योर ऑर्डर इज पुट होल्ड, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पर पुट ऑन योर होल्ड क्यों दिखाता है, ये मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। इसलिए सबसे पहले बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जब आप किसी ऑर्डर को मंगाते हैं और बाय चांस आप जो है रिटर्न करते हैं उसको, रिटर्न में आप जो है उसको एक्सचेंज या फिर मतलब एक्सचेंज या कोई ऐसा सिस्टम लगाते हैं जो कि आप उसके बदले चाहते हैं, तो ऐसा होता है कि ये वाला जो ऑर्डर होगा आपका, ये पहले जाएगा, जो है पहले पिकअप होगा, उसके बाद आपको नया ऑर्डर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिखाता है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया यहाँ पर, ठीक है, योर ऑर्डर इज़ पुट ऑन होल्ड, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाएगा, योर ऑर्डर इज़ पुट ऑन होल्ड, ठीक है। तो जब ये ऑर्डर उनको मिलेगा जो जो आपके पास है, एंड उसके बाद यहाँ पर ये पुट ऑन होल्ड होकर आपके पास रिसीव होने लायक हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है इसका पूरा का पूरा। अब यहाँ पर ये कुछ चेंज भी कर रहे हैं फीचर्स को, जो कि पहले अलग काम करते थे और अब अलग काम करते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर। तो अगर यहाँ पर आपको समझ में आया हो, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, सेम टू सेम ही प्रोसेस है, बट थोड़ा बहुत अंतर है। बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।